हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच शुरू में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में होने वाले मैच के बारे में। तो इस मैच शुरू में हम देखने वाले हैं पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेइंग 11 प्लेयर, रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल, टॉप कैप्टनशिप वीक, जीएल डिफरेंशियल पिक और डेमो टीम बताने वाला। तो वीडियो आखिर तक देखना तो ही फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं वीडियो देख कर। अगर ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो तो ही आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात करते हैं। तो ये मैच होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में होने वाला है। बैंगलोर का होम ग्राउंड है, दोपहर का मैच है, तो ड्यूब का कोई चांसेस नहीं है। पिच की बात करूँ तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। बैटर यहाँ पर इंजॉय करते हैं बैटिंग करना, तो कोशिश करना हो ज़्यादा से ज़्यादा 150 दोनों टीमों के 150 में जो बॉलर करते हैं बॉलिंग करते हैं वही प्लेयर अपने बॉलिंग सेक्शन में रखना, तो ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है। फिर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो 119 मैचेस खेले यहाँ पे अभी तक T20 में, IPL में 119, तो उसमें से 54 मैचेस बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, 64 मैचेस बैट सेकंड वाली ने जीते। एवरेज स्कोर 165 का है। रॉयल चैलेंज का हाई स्कोर यहाँ पे 263/5, लोएस्ट टोटल यहाँ पे रॉयल चैलेंज बैंगलोर का 82/10। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ यहाँ पे तो 150 बिलो 36 बार बना है, 150 तो 169 31 बार बना है, 170 to 189 23 बार बना है, 190 अबाउट 29 बार बना है। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, अच्छी खासी शॉर्ट बाउंड्री, छोटा ग्राउंड है। बैटर यहाँ पर इंजॉय करते हैं बैटिंग करना, तो जो बताया मैंने वही करना भाई, डेथ और उसके बॉलर भी अपने टीम में रखना, ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिसेंट मैचों की बात करूँ, रिसेंट में जो 4 मैचेस हुए यहाँ पे, तो उसमें से RCB की बात करूँ तो RCB ने यहाँ पे 3 मैच जीते हैं। RCB ने यहाँ पे 2 मैच जीते, 1 मैच जीता है, 2 हारे है। तो टोटल विकेट स्प्लिट की बात करूँ तो 23 विकेट पेसर ने लिए, 14 विकेट स्पिनर ने लिए। तो स्पिनर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस मैच में, पर रिसेंट मैचेस में स्पिनर ने अच्छा, करण शर्मा ने अच्छा किया है इस वेन्यू पर। हिट टू हिट के रिकॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 28 मैचेस हुए, 13 मैच RCB ने जीते हैं, 12 मैच RR ने जीते हैं और 9 रिजल्ट 3 मैच रहे। टॉप पिक वेन्यू और रिसेंट फॉर्म की बात करने, टॉप पिक एंड एट वेन्यू, विराट कोहली का सबसे बढ़िया रन्स, टॉप रन स्कोर है, उसके बाद 5 डुप्ली से है। तो करण शर्मा का बॉलिंग स्टार्ट अच्छा है, 4 मैचों में 10 विकेट है इस वेन्यू में। तो टॉप पिक रहेगा, खेलते हैं तो करण शर्मा खेलता है तो टॉप पिक में रहेगा। वही संदीप शर्मा इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 मैचों में 10 विकेट है इसी वेन्यू में। और रिसेंट फॉर्म में मोहम्मद सिराज का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, तो मोहम्मद सिराज मस्ट हैव में रहेगा। जॉर्ज बटलर भी मस्ट हैव रहेगा। RCB का बढ़िया रिकॉर्ड है इसका, 12 मैच खेले है और 412 रन बनाए हैं। और उसके बाद जेसन होल्डर 6 मैचों में 11 विकेट है RCB के अगेंस्ट, तो ये भी मस्ट हैव में रहेंगे। संजू सैमसंग को थोड़ा डिफरेंशियल ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि हसरंगा ने 6 बार आउट किया है इसको 36 बॉल में। और उधर दिनेश कार्तिक को देखो, चहल ने 3 बार आउट किया 25 बॉलों में। तो ये स्टैट थे और यही टॉप पिक रहेंगे टीमों में, खाली सैमसंग को ही मैं डिफरेंशियल ट्राई करूँगा। सैमसंग, जायसवाल, हेट मायर और पार्टिकल, ये चारों में से डिफरेंशियल ट्राई करना बस। और प्लेयर बैटल की बात करूँ तो देखो, 5 डुप्लीसी को बोट ने 3 बार आउट किया है, संदीप शर्मा ने 2 बार आउट किया, तो भाई दोनों तगड़े बॉलर है। और संदीप शर्मा का वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। उसके बाद कोहली के देखो, जंपा ने 3 बार आउट किया है, संदीप शर्मा ने 2 बार आउट किया है। वही मैक्सवेल को देखो, बोल्ट ने 2 बार, चहल ने 2 बार, कार्तिक को 3 बार किया है चहल ने, माकवाई ने 2 बार आउट किया कार्तिक को। तो स्ट्रगल तो बहुत दिख रहा है भाई RCB के प्लेयर का। उसके मई पर लोन बॉल की बात करूँ, चहल ने 2 बार आउट किया है, माकवाई ने 1 बार आउट किया है, शहबाज अहमद, बोल्ट ने 2 बार, अश्विन ने 1 बार आउट किया है। तो स्ट्रगल बहुत है भाई राजस्थान के बॉलर के सामने। अभी राजस्थान की बात करें, डेविड विलियर ने 1 बार आउट किया जयसवाल को, हेजलवुड ने 1 बार, तो हेज विलियर अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा करते हुए दिख सकता है। वही बटलर की बात करूँ तो बटलर को देखो, सिद्धार्थ गौर ने 1 बार आउट किया है और
सीराज ने एक बार आउट किया, पर रन भी बहुत खाए है सीराज ने, पर अब भी अलग ही फॉर्म में भाई, विकेट भी निकल डालेगा ये बटलर का। सैमसंग की बात करें तो अश्रंगा ने 6 बार आउट किया है 34 बॉल में, शहबाज अहमद ने 1 बार आउट किया है। पांडिकल के देखो तो हर्षल पटेल ने 2 बार, सिराज ने 1 बार आउट किया। हिटमैन को सिद्धार्थ कोहली और डेविड विली ने 1 बार आउट किया, बाकी किसी के सामने स्ट्रगल नहीं है हिटमैन का। तो डिफरेंस हमेशा फिनिशर का रोल के लिए अच्छा है प्लेयर रहेगा। रियान पराग की बात करो, पटेल ने 2 बार, सिद्धार्थ कोहली ने 1 बार आउट किया। तो स्टैट के हिसाब से तो देखा जाए तो आरआर का इतना कोई स्ट्रगल नहीं है, खाली संजय सैमसन को छोड़ के बाकी सब प्लेयर अच्छे हैं। आरसीबी का थोड़ा बहुत स्ट्रगल है सभी प्लेयर के सामने। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे टीमों की, आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। फैब मस्ट हैव में रहेगा, कोहली भी मस्ट हैव में रहेगा, दोनों बढ़िया कर रहे हैं अभी और अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। बुमराह को डिप्रेशन में ट्राई करो भाई, अगर ये दोनों अच्छा खेल लेते हैं ना, अगर ये ना 2-10 ओवर तक खेल लेते हैं दोनों, तो उसके बाद मैक्सवेल ही आएगा, इसको नई चांसेस मिलेगा खेलने का या ओपन करने का, मतलब वन डाउन आने का चांस मिलेगा नहीं। उसके बाद शहबाज अहमद भी नहीं आएगा, दिनेश कार्तिक को भेज देंगे सीधी टीम, दिनेश कार्तिक भी आएगा फिर, टू डाउन दिनेश कार्तिक ही आएगा अगर अच्छा खेल, अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है इन लोग की। तो शहबाज अहमद डिफरेंशियल ट्राई करना भाई, बढ़िया प्लेयर है पर इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है आरसीबी, मुझे ऐसा लग रहा है। बढ़िया प्लेयर अपने दिन पे मैच भी जिताएंगा और जीएलबी पिक साबित हो गई, बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद हसरंगा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में, पानेल भी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, हर मैच में विकेट ले रहा है, प्लस बैटिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है इसके इससे, क्योंकि आरआर क्या क्या स्ट्रगल दिख रहा है इन बैट्समैन का, तो पानेल के बैटिंग के चांसेस भी है। वही हर्षल पटेल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेट में बॉल करता है और इसका भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रगल है इसके सामने तो इम्पोर्टेंट रहेगा। वही इसने कुमार विजय ने एक ही मैच में 3 विकेट लिया था, उसके बाद फ्लॉप रहा भाई, टोटली बहुत रन खाया इसने। मोहम्मद सिराज इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, पार्नर, तो मोहम्मद सिराज को फिक्स करो, हर्षल पटेल और पार्नर को डिफरेंशियल ट्राई करो। तो ये था इसका प्लेइंग 11। इम्पैक्ट प्लेयर में प्रभु देसाई है भाई, इसका इतना कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा ठीक ठाक, अर्जुन रावत है, आकाशदीप खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छा बॉल करता है ये, और करण शर्मा मस्ट हैव में रहेगा, अगर खेलता है तो मस्ट हैव में रहेगा। डेविड विली को भी ट्राई कर सकती है टीम, देखते हैं। और ये बाकी सब बेंच पे प्लेयर है, तो इनका जो भी अगर इनके स्टैट दिए मैंने, तो इसका जो भी कुछ अपडेट होगा वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो अभी तक यहाँ पर आए हो तो। तो ये बेंच स्टैंड होगा इनका, उतना कोई खास प्लेयर नहीं है बेंच पे भी इनका, सोनू यादव खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छे स्टैट है इसके। राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यशस्वी जयसवाल इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल नहीं दिख रहा है इसका किसी के सामने। उसके बाद जॉर्ज बटलर इम्पोर्टेंट रहेगा, मस्ट हैव में रहेगा। संजय सैमसन को डिफरेंशियली ट्राई करना भाई, स्ट्रगल है इसका, डिफरेंशियली ट्राई करना। वही रियान पराग, इसको भी भाई जीएल में करो, अभी तक तो कोई खास कारनामा किया नहीं। उसके बाद हिटमैन मस्ट हैव में रहेगा, हिटमैन ध्रुव जल जीएल ठीक रहेगा, 10 बार रहते हुए आएगा और अच्छा खेल लेता है, बढ़िया रहेगा। आर अश्विन इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच में भी, 4 ओवर टोटल पूरे करेंगे आप। होल्डर इम्पोर्टेंट है, आर अश्विन और होल्डर को डिफरेंशियल ट्राई करो, दोनों को एक साथ मत रखो, डिफरेंशियल ट्राई करना, होल्डर का तो अच्छा रिकॉर्ड है। संदीप शर्मा भी मस्ट हैव में रहेगा, अच्छा बॉलर है, डेट में भी बॉल कर रहा था, इम्पोर्टेंट रहेगा। ट्रेन बॉल को चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कोहली ने आर्चर का एक बुरा हाल किया था, तो आप मुझे लगता है कि इस मैच में इसको भी बुरा हाल हो सकता है, ट्रेन बॉल का रन ना खा सकता है, नहीं तो विकेट भी ले सकता है, पर ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्लॉप जाए ट्रेन बॉल कल के मैच में। युजेंद्र चहल इम्पोर्टेंट रहेगा, मस्ट हैव में रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर में देवदत्त पड़िक्कल है, डिफरेंशियल जीएल पिक रहेगा ये कल के लिए। रूट का चांसेस नहीं, फरेरा का भी चांसेस नहीं मिल रहा है, नवदीप सैनी को मिला था एक चांस, मुर्गन अश्विन को चांस नहीं है, और ये इनका बेंच थे अब्दुल बासित, कुणाल सिंह राठौड़,
ये एडम जाम तो खेलता तो इम्पोर्टेंट है इस मैच में, मुझे लगता है कि इसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर में खिलाएंगी ये टीम। करियप्पा का रिकॉर्ड बढ़िया है, मोकाई का भी रिकॉर्ड बढ़िया है, काशिफ अहमद ये इसने भी बॉलिंग अच्छी की थी भाई, विकेट लेस रहा था। वह कुलदीप सेन ठीक ठाक फॉर्म में, ये था इनका मेन स्टेट सब होगा राजस्थान का। अभी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करूँ, स्मॉल लीग में जाओ कैब जॉर्ज बटलर, विराट कोहली, मैक्सवेल, वही ग्रैंड लीग में करो ट्राई करो संजू सैमसंग सिराज, असरंगा या शशि जायसवाल। डिप्रेशन में वहीं पर लोग वेन पांडेल, जेसन होल्डर, रियन पराग। डेमो टीम ऐसा बना है भाई, बटलर को डिप्रेशन ट्राई करोगे संजू सैमसंग के साथ। कोहली इम्पोर्टेंट रहेगा, फैब भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और हेटमायर को एज ए डिफरेंशियल ट्राई करूंगा मैं हर टीम में। मैक्सवेल आएंगे वन डाउन, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जल्दी विकेट गिरने वाला नहीं है इनका, और हसरंग को ट्राई किया है। बाकी जेसन होल्डर को लिया है और चहल को लिया है, सिराज और संदीप शर्मा, और बोल्ड में डिफरेंशियल ट्राई करूँगा, ये दोनों में डिफरेंशियल ट्राई करूँगा, संदीप शर्मा और करण शर्मा में दोनों में डिफरेंशियल ट्राई करने करूँगा हर टीम में। तो बाकी लास्ट अपडेट जो टॉस के बाद होता है, 3:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, 3 बजे टॉस के बाद जो भी लाइन आउट होता है, जो भी अपडेट होएगा मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करो चैनल को, साथ में ग्रो करेंगे और साथ में जीतेंगे। और सबको कल के मैच के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।